तो बच्चों बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आज हम थ्योरी ज्योमेट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है हमारा प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। और इससे पहले थ्योरी ज्योमेट्री में मैंने एक और चैप्टर पर डिस्कस करा हुआ था और वो चैप्टर था कोऑर्डिनेट प्रोजेक्शंस एंड डायरेक्शन कोसाइंस, और मैंने वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था। तो आप उन सभी टॉपिक की वीडियोज आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर के आप उन सभी टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं, राइट। और आज की इस वीडियो में हम प्लेन पर डिस्कस करेंगे कि प्लेन क्या होता है। तो वैसे तो प्लेन क्या होता है इस बात को आप बचपन से ही समझते आ रहे हैं, बट यहाँ पे हम एक प्रॉपर डिफिनेशन और इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस बात को समझेंगे, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने प्लेन का जो डिफिनेशन है वो लिखा हुआ है, ए प्लेन इज ए सरफेस ऑन विच लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज होली ऑन इट, राइट। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि अगर मेरे पास सर्फेस हो, राइट, और उस सर्फेस पर अगर मैं दो पॉइंट लूँ, ओके, और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो पूरी तरह से उस सरफेस में है, तो हम कहेंगे कि वो सरफेस जो है एक प्लेन है, राइट। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक सरफेस ले लेता हूँ, राइट, जैसा कि मेरे पास एक सरफेस हो गया, राइट, ये बोर्ड भी ये एक सरफेस है आप देख सकते हैं, और मैं एक लाइन भी यहाँ से ऐसा खींचा हुआ हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है पूरी तरह से इस सरफेस में है, राइट। तो ये भी एक प्लेन ही हो गया यहाँ पे, राइट। सो आई होप कि इस बात को आप समझते होंगे, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक सरफेस है मेरे पास और दो पॉइंट मैंने ले लिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बन गया, और ये लाइन पूरी तरह से इस सरफेस में है। बात समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो सरफेस है एक प्लेन है, ओके। अब यहाँ पे जैसा कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह का ये एक सरफेस है, राइट, और यहाँ पर चाहे कहीं पर मैं दो पॉइंट ले लिया हूँ और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन है ये पूरी तरह से इस सरफेस में नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस है वो एक प्लेन नहीं है। सो आई होप कि इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी, राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या होती है। एक लाइन की इक्वेशन आपको पता होगा कि जनरल इक्वेशन एक लाइन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। सो यहाँ पे एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, राइट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये फर्स्ट डिग्री की जनरल इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि डिग्री वन है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। ये होता है एक जनरल इक्वेशन एक प्लेन का, बात समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट डिग्री का है क्योंकि डिग्री यहाँ पे वन है। सो यहाँ पे अयुब की ये बात आपको समझ में आया होगा कि एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, राइट। सो यहाँ पे जो ए एक्स प्लस नाउ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, राइट। अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन पर डिस्कस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेरियस फॉर्म, राइट। अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम प्लेन की इक्वेशन पर डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि मैं फर्स्ट फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, राइट, अर्थात नॉर्मल फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ओके। नॉर्मल फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन, जैसा कि आपको पता है क्या होता है नॉर्मल फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन, ये होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल पी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, जैसा कि आपने 2D ज्योमेट्री में इस बात को पढ़ा होगा, राइट। बट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस गामा प्लस सॉरी वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल टू पी, राइट। ये होती है नॉर्मल फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन, बात समझ में आ रहा है। इसी चीज को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस अल्फा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो एल एक्स, कॉस बीटा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो एम वाई, नाउ कॉस गामा को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन जेड इक्वल टू स्मॉल पी, तो इस चीज को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। ये अभी एक प्लेन के ही इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा, बट इन नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा, बात समझ में आ रहा है।
सो यहाँ पे आपको तो इस बात को आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में जो एक प्लेन की इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, राइट। बट ये कैसे होता है, राइट, इस बात को अब हम प्रूफ करने चल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, राइट, इस चीज़ को मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो रही हैं, राइट। तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैं इसके लिए एक प्लेन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, एंड मैं कुछ ऐसे इसे एक्सिस को बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज वाई एक्सिस, बात समझ में आ रहा है। और मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं प्लेन ले रहा हूँ जो एक्स वाई और जेड इन तीनों एक्सिस को कुछ इस तरीके से टच कर रहा है, राइट। दिस इज अ प्लेन, ये प्लेन है, बात समझ में आ रहा है। मेरे पास ये प्लेन कुछ इस तरह से मैंने लिया हुआ है, राइट। ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0, राइट। मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर ये जो प्लेन यहाँ पे जो कट कर रहा, जो इंटरसेप्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 0, 0, ये बाद में यूज में आएगा, राइट, इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम डिस्कस करेंगे एक प्लेन की इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि 0, 0 हो जाएगा, राइट। और ये जेड एक्सिस है तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 0, c हो जाएगा, राइट। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस प्लेन पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका पॉइंट को मैं एन नाम दे देता हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अब एक्चुअली क्या है ना कि जो प्लेन और ये जो लाइन है इनके बीच का जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं, या परपेंडिकुलर फॉर्म हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये प्लेन, सॉरी, ये लाइन और ये जो प्लेन के बीच ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस बात को आप समझिएगा, राइट। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ओके। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ये है px, y, z, राइट। सो अब मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, बात समझ में आ रहा है, दिख रहा ना नीचे, ओके। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली हमें नॉर्मल फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ओपी का प्रोजेक्शन ओएन पे फाइंड करेंगे, राइट। तब जाके हमें नॉर्मल फॉर्म में इस प्लेन की इक्वेशन पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्म में पता कर रहे हैं, इसलिए ओपी का प्रोजेक्शन हम ओएन पे फाइंड करेंगे। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ओएन, राइट। यहाँ पे मैं काम करता हूँ कुछ अच्छे तरीके से, मैं इसे लिख भी लेता हूँ, राइट। लेट ए बी सी बी द गिवन प्लेन, नाउ यहां से हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी ड्रा ए नॉर्मल ON या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप, फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ON जो हम मान लेते हैं कि ON की जो ये लेंथ है वो स्मॉल p है, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल p है, राइट। लेट यहाँ पे हम एक और पॉइंट मान लेते हैं, लेट px, y, z इज अनदर पॉइंट ऑन द प्लेन, राइट। दूसरा पॉइंट हम कोई मान लिए, इज ऑन द प्लेन, राइट। यहाँ पे p कोई दूसरा पॉइंट है, राइट। तो मैं इसलिए इसको प्रूव कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, राइट। वैसे तो पूछता तो बहुत कम है, बट हो सकता है पूछ दे, तो आप इस चीज़ को लिख पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पे इसे लिख दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मान लेते हैं कि इस ओ एन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो LMN है, राइट। लेट द डायरेक्शन इज LMN,
ओके, सो आई होप कि यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ओ एन का जो डायरेक्शन कोसाइन है, डी सी जो है वो क्या है, एल एम और एन है। बात समझ में आ रहा है? नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ अब हमें नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ओ पी का प्रोजेक्शन हमें कहाँ फाइंड करना पड़ेगा, ओ एन पे फाइंड करना पड़ेगा। राइट, बात समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे नीचे दिख रहा तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। ओके, हाँ दिख तो रहा है। नाउ यहाँ पे हम क्या करें, नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ OP on ON equals to, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, the length of ON। बात समझ में आ रहा है? the length of ON। तो ये मैं फार्मूला आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, राइट, और इसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है एल एम एन, और यहाँ पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये कोई लाइन है। बहुत बेसिक मैं बात बता रहा हूँ, राइट, इसी टेक्निक से आप इसे प्रूव करिएगा। जैसे कि मेरे पास ये एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, और एक और लाइन है मान लीजिए कि ये है ओ पी, राइट। मैं इसको काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, राइट, इसको क्लीन करके, राइट, क्योंकि बेसिक आपको होना चाहिए जानकारी, राइट। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि अगर मेरे पास ये एक लाइन हो जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया गया हो एल एम एन, और यहाँ पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये कोई लाइन है, मान लीजिए कि पी एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये हो गया क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस ओ पी का प्रोजेक्शन हमें इस पर फाइंड करना है, इस लाइन पे फाइंड करना है जिसके डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है। तो कैसे आप फाइंड करिएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एल एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन जेड टू माइनस जेड वन। ये मैंने फार्मूले पर डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो इस पी क्यू का प्रोजेक्शन इस लाइन पर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, राइट। सो इस बात को आप समझते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते होंगे तो इससे पहले वाला जो वीडियो है, राइट, थ्री डी ज्योमेट्री का ही है, आप जाके देख लीजिए, राइट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ओपी, ओपी का प्रोजेक्शन हम ओएन पे फाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल नीचे दिख रहा ना, राइट, हाँ दिख रहा है। एल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, राइट, प्लस एम वाई माइनस जीरो प्लस एन जेड माइनस जीरो इक्वल्स टू स्मॉल पी, क्योंकि द लेंथ ऑफ ओ एन कितना है, पी है, स्मॉल पी है। सो आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या निकल गया, एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू जीरो स्मॉल पी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सो आई होप कि समझ में आया किस तरीके से मैं इसे प्रूव किया हूँ, राइट। अब यहाँ पे देखिए, नाउ यू नो दैट एल इक्वल्स, नाउ मैं इसको अब क्लीन कर देता हूँ, राइट। कुछ और मैं बेसिक बात यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ओके, नाउ एल इक्वल क्या होता है, नाउ वी नो दैट एल इक्वल कॉस अल्फा, एम इक्वल कॉस बीटा एंड एन इक्वल कॉस गामा। सो ये इक्वेशन अब किस फॉर्म में आ गया, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा, राइट। सो आप इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट अब यहां से एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, राइट, नॉर्मल फॉर्म में जो ये इस लाइन का इक्वेशन है, ये और
और जनरल इक्वेशन में क्या रिलेशन है, जरा इस पर हम डिस्कस करें। अगर ये दोनों ही एक प्लेन के ही इक्वेशन है, राइट, तो इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाहर निकल के आता है, जरा इस बात को समझिएगा। नाउ इफ इफ एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा प्लस जेड कॉस गामा इक्वल्स पी एंड ए एक्स प्लस बी वाई, एक काम करता हूँ कि मैं इसको लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। सो अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा, राइट। ओके, इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं तो नॉर्मल फॉर्म में एक प्लेन की इक्वेशन है और ये जनरल फॉर्म में, मेरा मतलब कि अगर ये दोनों ही प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, राइट। कुछ इस तरह से इसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा बाई ए इक्वल कॉस बीटा बाई बी इक्वल कॉस गामा बाई सी इक्वल, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई डी, राइट। अब यहां पे ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन, राइट, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से यहां पे ये पता चला, राइट। अब यहां पे चाहे तो इनको जो है कि कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मैं टेक्निक बताया था कैसे लिखना है, कॉस स्क्वायर बीटा और यहां पे आ गया ये कॉस स्क्वायर गामा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, वन होता है। सो यहाँ पे आप, मैं इसको एल से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट, एल बाई ए, क्योंकि कॉस अल्फा मीन्स वन, सॉरी एल, कॉस बीटा मीन्स एम, कॉस गामा मीन्स एन, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे ये कितना हो गया, एन बाई बी, और यहाँ पे एल एम हो गई, सॉरी एम बाई बी एन बाई सी इक्वल टू माइनस पी बाई डी, और यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो गया, वन बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से एल इक्वल आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ से एल इक्वल क्या आ गया, नीचे यहाँ पे दिख रहा है ना, राइट। सो यहाँ से नाउ यू कैन राइट एल इक्वल प्लस माइनस ए बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। नाउ यहां से आप लिख सकते हैं क्या, एम बाई प्लस माइनस बी बाई रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। सो यहां से आप लिख सकते हैं एन इक्वल प्लस माइनस बी बाई रूट ऑफ एक, सॉरी सी होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और यहां से पी, एक्चुअली पी क्या है, लेंथ है, जैसा कि आपने देखा था, तो ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। सो यहाँ पे पी इक्वल क्या हो जाएगा, डी बाई, दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, सो इट विल नेवर नेगेटिव। सो यू कैन राइट डी बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर,